नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई क्वारंटाइन के रिलेटेड। जी हां साथियों, हमारे राजस्थान क्वारंटाइन की बात करूंगा और ये आप इंडिया में कहीं पर भी आएँ भाई, आपके ऊपर भी ये बातें लागू होंगी। जो आने वाली हम बातों पे बात करेंगे, आपका होटल, आपका पैसा, आपका खाना, आपका रहना, टोटल बातों पे हम बात करेंगे लाइव प्रूफ के साथ में। क्योंकि मेरा फ्रेंड है जोधपुर से पर्वत सिंह, वो आए हैं 4 तारीख को, उन्होंने मुझे वहाँ के फोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह भेजा है, तो आप लोगों को देखना ज़रूरी है कि सच्चाई क्या है। क्योंकि मैं बता दूँ, पहले जो लगभग मैंने 5-7 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जयपुर एयरपोर्ट से दो यात्री आए थे, इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे, पैसा लिया जा रहा था, पैसा लेने के बावजूद भी सुविधाएं नहीं दी। और सेकंड बात कि उनको साफ साफ मना कर दिया गया था कि प्राइवेट के अलावा हमारे पास सरकारी क्वारंटाइन में नहीं है, जगह नहीं है, बिल्कुल है भी नहीं, आपको पैसे दे के ही रुकना पड़ रहा था, जो लगभग ठीक सही 1600-1700 रुपये पर डे का खर्चा आ रहा था। हमने वीडियो डाला, आप लोगों ने देखा। मैं मेरे मुँह से ये नहीं बोलता हूँ कि हमने, आप लोगों ने, हमारे लोगों की वजह से ये ऐसा कुछ हुआ या उनके ऊपर उनको वीडियो पहुँचा, हम ये बात नहीं बोलते। लेकिन इसमें हमें गारंटी के साथ बोलता हूं 100% सुधार हो गया। जी हां साथियों, 80-70% नहीं की बात कर रहा हूं, 100% सुधार हो गया विद प्रूफ। हम आगे बात करेंगे। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले भाई फॉलो जरूर कर लें और भाई इसको शेयर भी कर दें, ताकि ये बात हर इंडिया विदेश से आने वाले बंदे के पास पहुंचे, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति जागरूक हो और गरीब आदमी पैसा नहीं देना पड़े, ठगा नहीं जाए। क्योंकि ठगी का खेल तो चल रहा है, नो डाउट, इसका मैं इनकार नहीं करता, इसका आज क्या हम आगे हम बताएंगे। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई, हमारे दोस्त हैं जो पर्वत सिंह जी, जो जोधपुर से हैं, वो 4 तारीख को दुबई से पहुंचे हैं। जी हाँ साथियों, उन्होंने ये वीडियो इसलिए डाला कि उन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा था जो 5-7 दिन पहले जयपुर एयरपोर्ट का, मैंने विद प्रूफ, ऐसा नहीं कि मैं मुँह से बोला, मैंने जो मुझे जो लड़कों ने वहाँ के होटल के वीडियो भेजे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए और आपने देखा भी उनको। उसके बाद में उन्होंने आज ये बोला कि सर ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बता दूँ भाई, मैटर क्या है, जैसे आप उतर से फ्लाइट से उतर के बाहर निकल के आते हो, वहाँ पे आपकी चेकिंग होती है आपसे, आपको इन्होंने भी बोला है कि हमें फॉर्म पकड़ा दिया गया 1500 प्लस टैक्स का। सेम इसके साथ भी ये कंडीशन इनके साथ भी हुई, लेकिन बंदा के खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है। तेज तरार बंदे होते हैं ना भाई, होशियार बंदे, वो अड़ जाते हैं और बहुत से लोगों को पता नहीं होता। तो उन्होंने बोल दिया कि हम फ्री वाले में जाएंगे, भाई पैसा नहीं है हमारे पास, हम कोई कमा के थोड़ी आए हैं, लॉकडाउन में लोग बैठे हैं बेचारे, कैसे तैसे करके टिकट का जुगाड़ करके आए हैं, हम फ्री वाले में जाएंगे। इनको 1500 रुपये का पकड़ा दिया, बोले ये 1500 प्लस ये होटल वाला का आपका खर्चा है, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो बिल्कुल इनको फ्री की सुविधाएँ दी गई, फ्री का जो गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर होता है उनकी, उनको पूरी सुविधाएं दी गई, पासपोर्ट जमा हो गया, एक चवनी भी इनकी क्वारंटाइन की नहीं लगेगी। मैं आपको फोटो वगैरह सब साथ में शेयर कर दूंगा, इनकी वॉइस भी है, आप वॉइस भी मैं सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, आप ऐसे समझ जाओगे। अच्छा खाना है, अच्छा रहना है, बाकायदा एक ITI कॉलेज है, उनमें 8-10 बिल्डिंगें हैं, ये बता रहे हैं 300 से 400 लोग वहाँ पर रह रहे हैं, एक कमरे में 2 आदमी है, बढ़िया साफ सफाई, रहना खाना एकदम बढ़िया, उच्च क्वालिटी खाना है, नॉर्मली अच्छा खाना है। मैं आपके साथ फोटो भी शेयर करूंगा, सब कुछ शेयर करूंगा, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें भाई। ये तो राजस्थान की है, राजस्थान में क्वारंटाइन में सुधार है, मैं ये बोल रहा हूँ विद प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन आप अगर कहीं पर भी आएँ, चाहे राजस्थान में आएँ, चाहे आप जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कहीं पर भी आएँ, चाहे आप दूसरे स्टेट में आएँ, आपको सबसे पहले होटल वाला सिस्टम पकड़ाया जाएगा। आप साफ साफ इनकार कर सकते हो कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन के लिए सबके लिए व्यवस्था कर रखी है। जब इंडिया वाले मजदूरों के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था है, तो क्या विदेश वालों के लिए नहीं होती है? होती है, लेकिन ये लोग जानबूझ के देने नहीं चाहते। ये अब मुझे नहीं पता भाई, इनका होटल वाले का कोई कमीशन होता होगा, मैं तो मानता हूँ इस बात को, मैं इस बात को इसलिए मानता हूँ, इसका भी मेरे पास सबूत आया था, क्योंकि एक हैदराबाद की कोई लेडी थी, वो उसका हस्बैंड ख़त्म हो गया था, उनका वो ट्रांसफ़र होके वाया जा रही थी उधर, उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उनके साथ इन्होंने चीटिंग करी। 5 तारीख की बात है ये, कल की बात है, तो उनको उन्होंने साफ मना कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे सरकारी क्वारंटाइन भेज दो, क्योंकि उसकी 2 बजे की फ्लाइट थी और वो रात को पहुंची, यानी उसको 10-12 घंटे रहना था। लेकिन उन्होंने होटल वाले से, वहाँ बैठा जो अधिकारी, कौन अधिकारी है, वो फ़ोन किया होटल वाले को, पहले बोला 1500 ले लेना, फिर वहाँ जाते ही बोला आप 2-3 हज़ार रुपये जमा कराओ 24 घंटे के। तो कहने का मतलब, कहीं ना कहीं मुझे ये लगा, और उन्होंने भी बोला कि आप खेल कर रहे हो, आप पैसा कमीशन बेस, यानी इसको बोल सकते हैं होटल का कमीशन बेस होता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास होटलों में भेजिए। और आपको पता है भाई, आप इंडिया में हो, आप बस से उतरते हो तो होटल वाले नहीं आ जाते हैं बस के आगे, सर हमारे पास होटल में चलिए, सबका कमीशन बेस होता है, एजेंटों का सिस्टम होता है,
1000 रुपये में आप रूम बुक करा रहे हो, उसको 50-60-100 रुपये दे देते हैं दलाल को, तो वो आपको पकड़ के उस होटल में ले जाता है। सेम कंडीशन ये हो रही है। अब ये जो मेरा दोस्त था, ये समझदार थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो सरकारी में जाएंगे। तो इनको सरकार, वो फॉर्म भरा हुआ होटल वाला, और उस पर पूरा टैक्स बोला, यहाँ ये फॉर्म है, इसमें पैसे जमा करा, तो उसको वापस लेके फिर इनको सरकारी क्वारंटाइन में भेजा गया। और सरकारी क्वारंटाइन आप देख सकते हैं भाई, पूरी बढ़िया सुविधा है, होटल से भी अच्छी सुविधाएँ उसमें हैं, एक कमरे में 2 आदमी हैं, अच्छा रहना, अच्छा खाना, 2 टाइम चाय मिल रही है, पानी की बोतलें मिल रही हैं पैकिंग वाला, क्योंकि क्वारंटाइन में एक दूसरे का हाथ टच नहीं कर सकते, तो बोतलें पैकिंग मिलती है। तो कहने का मतलब सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने होटल वाला सिस्टम बता दिया, भाई आप विदेश से आ रहे हो तो आप भी ये मांग कर सकते हो कि हमें पैसा नहीं है हमारे पास, हम सरकारी क्वारंटाइन में जाना चाहते हैं, चाहे उसमें कैसा भी हो हम रह लेंगे, तो आपका 7 दिन का तो 8-10-12 हज़ार रुपये लगता है, वो बच सकता है भाई। बस आज की अपडेट राजस्थान क्वारंटाइन से रिलेटेड ये थी, अच्छी न्यूज़ है, इसको फैला दीजिए और लोगों के पास, ताकि उनको भी भाई ये नॉलेज हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।